कौन सा भुजाओं के आधार है? त्रिभुज कौन सा भुजाओं के आधार है? कौन सा समबाहु और समद्विबाहु और तीसरा विषम बाहु तीनों त्रिभुजों के लिए लागू होगा। समबाहु, समद्विबाहु और विषम बाहु। हमने आज त्रिभुज का क्या सूत्र पढ़ा है? त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला पढ़ा है हमने। अभी तक सिर्फ क्या पढ़ा है? एक बटा दो आधार इंटू ऊंचाई, एक बटा दो आधार इंटू ऊंचाई। ये फॉर्मूला किसमें लगता है? समकोण त्रिभुज में। किसमें लगता है? सिर्फ समकोण त्रिभुज में। आधार होता था आपका ये, ऊंचाई होती थी आपका ये, और समकोण त्रिभुज का ये फॉर्मूला एक बटा दो आधार इंटू ऊंचाई। लेकिन हमें अगर इस तरह का त्रिभुज दे दिया, समकोण है ही नहीं, कौन सा है? समबाहु त्रिभुज है, तीन तीन तीन, तो कैसे निकालोगे? अगर आपको समद्विबाहु देते तीन तीन चार, और अगर आपको विषमबाहु देते तीन चार पांच, तो कैसे निकालोगे क्षेत्रफल? क्योंकि उसमें समकोण का त्रिभुज है ही नहीं। तो इन प्रॉब्लमों को सॉल्व करने के लिए विरोध नामक एक वैज्ञानिक ने अपना एक सूत्र दिया, जो क्या था? विरोध का सूत्र। क्या था? विरोध का सूत्र। समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु और विषम किसी के लिए भी लगा सकते हैं। तो वो जो फॉर्मूला होता है अंडर रूट एस एस माइनस ए, स्मॉल एस है, एस एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, एस एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। यहाँ एस क्या है? अर्ध परिमाप। क्या है? अर्ध परिमाप। किसका? त्रिभुज का अर्ध परिमाप ए प्लस बी प्लस सी बटा दो। तो ए बी सी क्या है? ए बी सी क्या है? त्रिभुज की भुजाएं, त्रिभुज की भुजाएं। ए बी सी क्या है? त्रिभुज की भुजाएं, जहाँ ए बी सी त्रिभुज की भुजाएं हैं, ऐसे अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप यानी ए प्लस बी प्लस सी बटा दो। अब अपन एक एग्जांपल के थ्रू इनको समझते हैं कि विरोध का सूत्र लागू कैसे करना है। देखिए, विरोध के सूत्र को लागू करने के लिए हमें विरोध की तीनों भुजाएं ज्ञात होनी चाहिए, उस त्रिभुज की। जब तीनों भुजाएं ज्ञात होगी तो ही हम विरोध का सूत्र अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, एग्जांपल ले रहे हैं अपन ई एक्स। एग्जांपल नंबर एक, क्या कह रहा है? एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं जिसकी दो भुजाएं दो भुजाएं कितनी, क्या क्या दे रखी है? 8 सेमी और 11 सेमी है। 8 सेमी और 11 सेमी, और हमें क्या दे रखा है? जिसका परिमाप 32 है, जिसका परिमाप कितना है? परिमाप 32 सेमी, 32 सेमी है। देखिए, सबसे पहली बात तो विरोध के सूत्र के लिए हमें क्या चाहिए? ए बी सी त्रिभुज की तीनों भुजाएं, ए बी और सी। लेकिन हमारे पास ए और बी है, सी हमारे पास नहीं है। तो सी ज्ञात करने के लिए हमें दे रखा है परिमाप। तो त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? आयत का परिमाप क्या होता है? दो इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। वर्ग, वर्ग का क्या परिमाप होता है? 4 इंटू भुजा। क्या होता है? 4 इंटू भुजा। तो त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? मालूम है त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? त्रिभुज का परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग। त्रिभुज का परिमाप बराबर तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग ही क्या कहलाता है? त्रिभुज का परिमाप। हम ये तीन परिमाप से क्या निकाल रहे हैं? 30 भुजा। फिर क्या लगाएंगे? विरोध का सूत्र। हमें त्रिभुज का परिमाप क्या दे रखा है? 32। तीनों भुजाओं में से एक भुजा कितनी दे रखी है? 8।
19, 32 माइनस 19 बराबर x, 12 में 19 और कितने बचे 13, कितनी आ गई 13, पहली भुजा 8, दूसरी भुजा 11 और तीसरी भुजा कितनी आ गई 13। क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं इसलिए कितना आ गया 8 अंडर रूट 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है आपका एग्जांपल नंबर 1। एग्जांपल नंबर 1 इस तरह से आपको क्वेश्चंस करने हैं। अब देखिए आइए एक्सरसाइज 12.1 मालूम है आयताकार संकेत बोर्ड क्या होता है ऐसा
का जोड़ा बनाए, इन डबल में से एक बार आएगी, डबल में से एक बार आएगी। तीन इंटू तीन 900 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह है आपके आयताकार संकेत गोल का क्षेत्रफल, आयताकार संकेत गोल का क्षेत्रफल। यह है आपके क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज का एक, विरोन का सूत्र।